रायपुर में शिक्षा विभाग ने मुमकिन है कि ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें 35,000 से ज्यादा शिक्षक और अधिकारी कर्मचारियों ने नए विचार और अनुभव साझा किए। प्रभाव सभी ओर दिखाई पड़ रहा है, ठीक ऐसे शिक्षा भी इससे प्रभावित है और कोरोना काल में स्कूल बंद है, स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचाया जाए इसको लेकर शिक्षा विभाग तमाम मंथन कर रही है। इसी को लेकर आज वेबिनार का आयोजन किया गया था, मुमकिन है, तो इसमें तमाम तरह के शिक्षाविद, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी तमाम जुड़े हुए थे, जिसमें तमाम तरह के सुझाव आए और यहाँ पे रणनीति कैसे बनाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तमाम बातें हुई। ज्यादा जानकारी साथ हमारे साथ सचिव महोदय हमारे साथ मौजूद है, शुक्ला जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो आपके वेबिनार हुई इसमें क्या, किस तरह से बातें हुई, क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, आज की वेबिनार में हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के शिक्षक जुड़े हुए थे और सबसे पहले तो हम लोगों ने शिक्षकों से ही ये पूछा कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्तमान में क्या कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हमारे साथ साझा किए शिक्षकों ने। बहुत सारे काम शिक्षक अपने स्तर पे कर रहे हैं और फिर ये तय किया कि जो शिक्षक इस तरह के काम कर रहे हैं उन कामों को पूरे प्रदेश में व्यापक तौर पे करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए और सरकार को शिक्षकों को सहायता करना चाहिए। तो आप जानते ही हैं कि कोरोना के समय में स्कूल अब कब खुलेंगे इसका अभी कोई तय नहीं है, केंद्र सरकार जब तक आदेश नहीं करेगी तब तक स्कूल नहीं खुल सकते। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग किसी शिक्षक को आदेश करके कोई काम नहीं कराना चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि स्वेच्छा से शिक्षक जो काम कर रहे हैं उसमें शासन अपना सहयोग प्रदान करे। तो पांच चीजें बड़ी बड़ी आज तय की हैं और मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि वो पांचों चीजें हमारे प्रदेश के शिक्षकों ने ही सुझाई हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे जो आप पांच बातें जो आपने वहाँ ऑनलाइन शिक्षकों के बीच रखी उसमें मंथन भी हुआ, तो ये क्या पूरा प्रदेश स्तर पे लागू किया जाएगा? जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि लागू पूरे प्रदेश स्तर पे किया जाएगा, लेकिन इसके लिए हम कोई ऐसा आदेश जारी नहीं कर रहे हैं कि सभी शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य है। जो शिक्षक ये कार्य करना चाहते हैं उनको हम लोग सहायता करेंगे। अहम फैसला है लेकिन इसको जब लागू करना है तो इसके लिए एक राशि की भी जरूरत होगी, तो इसको क्या पंचायत विभाग वहन करेगा या शिक्षा विभाग, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? देखिए, हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि जहाँ पे चाह है वहाँ राह है और जो भी शिक्षक ये कार्य करना चाहेंगे, मैंने फिर से कहा कि हम आदेश से नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक ये काम नहीं करेगा तो उसे कोई सजा मिलेगी, जो स्वेच्छा से ये काम करना चाहते हैं उसमें राशि आड़े नहीं आएगी, इतना कह सकता हूँ। काफी बच्चों की पढ़ाई हुई, लगभग 22 लाख बच्चे इसमें जुड़े हैं लेकिन प्रदेश में लगभग 56 लाख बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो लगभग 40 लाख बच्चे इसमें छूट रहे थे, इसके मद्देनजर ये नवाचार को प्रोत्साहन दी जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये नवाचार के माध्यम से बच्चों को किस तरह से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरामैन सोलाराम के साथ सत्यराज कुशवाहा, स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ में।